यार सीधी सी बात है, आज तो बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह, ए टीम तो ए टीम, सी टीम उससे भी बढ़ के उन्होंने आज जो जो मारा है, आज जो जिम्बाब्वे को मार पड़ी है यार, बिल्कुल रुके ही नहीं है, झुके। इंडिया किसी टीम है लेकिन जिम्बाब्वे को ऐसे धो रही है, ऐसे धो रही है कि जिम्बाब्वे मुझे लगता है ये पूरी की पूरी T20 ये जो सीरीज है हार। तो भाई जो चीज हमें नजर आती थी पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स में, वो अब इंडिया के भी एक क्रिकेट प्लेयर में नजर आने लग गई है, वो है सेल्फिशनेस। भाई शुभमन गिल को कप्तान बनाया, बट शुभमन गिल ने दिखाई सेल्फिश। टीम इंडिया की ए टीम और बी टीम के लिए ना एक वर्ड कहना चाहूंगा कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां तो ही सुभान। अभिषेक शर्मा को छेड़ना मेरी समझ से बाहर है, उसको आपको यहाँ पर ओपनर ही भेजना चाहिए था। चाहे आप जायसवाल को वन डाउन खिलाते, चाहे आप शुभमन गिल को वन डाउन खिलाते, लेकिन जो वो जो अभिषेक शर्मा है ना, इसको आपको इसकी पोजीशन से हटाना नहीं था। कि इस यंग टीम को आप दुनिया की किसी भी टीम के साथ लड़ा दो तो ये जीत जाएगी, ये यंग टीम जीत जाएगी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है। मेरे ख्याल से आप इसी टीम को पाकिस्तान की ए टीम के साथ भी लड़ा दो ना, तो बड़ी मुश्किल है कि पाकिस्तान कोई मैच जीते। ये जो पाकिस्तानी घंटे आके ये बात करते हैं ना कि वो इंडिया जी जिम्बाब्वे से हार रहा है तो मसा जीत रहा है, तो ये मेरी बात सुना जरा बेटा। उन्होंने कम से कम ये हिम्मत किया कि जिम्बाब्वे की फुल स्ट्रेंथ टीम के आगे अपने यंग बच्चे छोड़े हैं। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, भारत ने तीसरा T20 मैच जो है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत तो लिया, एक अच्छा टारगेट दिया था, मगर इस जीत से जो है दोस्तों क्रिकेट फैंस खुश नहीं हुए, क्योंकि फैंस का कहना है ये जो टारगेट दिया गया था ये और भी ज्यादा दिया जा सकता था, मगर जिस तरह की बैटिंग शुभमन गिल ने की है उसके ऊपर लोग उसको काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं और उसे सेल्फिश तक कह रहे हैं। और दूसरी बात ये भी हुई दोस्तों कि अभिषेक शर्मा को वन डाउन क्यों भेजा गया, इसके ऊपर भी बातें उठ रही है, सवाल उठ रहे हैं। तो ये सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा, तो ये बातें अब पाकिस्तान में भी शुरू हो चुकी है दोस्तों। तो देखते हैं कि पाकिस्तानी इस मैच को लेके और शुभमन गिल के ऊपर क्या बातें कर रहे हैं। करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। क्या सीधी सी बात है, आज तो बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह, ए टीम तो ए टीम, सी टीम उससे भी बढ़ के उन्होंने आज जो जो मारा है, आज जो जिम्बाब्वे को मार पड़ी है यार, बिल्कुल रुके ही नहीं है, झुके ही नहीं है। मतलब कि जायसवाल जैसे ही आज आया उस बंदे ने रोहित शर्मा की तरह स्टार्ट लिया, 36 गोल मारे, 133 का उस बंदे का स्ट्राइक रेट था, आई थिंक 2 छक्के और 3 चौके उस बंदे ने मारे यार। उसके बाद जैसे शुभमन गिल का बल्ला खुला वो बंदा भी 134 के स्ट्राइक रेट पे है, 400 स्कोर मारे कितनी बॉलों के ऊपर, आई थिंक 49 या 47 बॉल के। बिल्कुल ये शुभमन गिल का बल्ला है, ये अहमदाबाद का प्रिंस है और ये इंडिया का फ्यूचर है, इंडिया के फ्यूचर का कैप्टन है। और ये शुभमन गिल वही बंदा जिसको आप याद होगा जो 100 को 200 को हमें मार जाता होता है, आज शुभमन गिल का बल्ला चला, आज पता चला कि शुभमन गिल किस बल्ला का नाम है, आज जिम्बाब्वे को पता चला कि शुभमन गिल कौन है, कहाँ पे आके मारेगा। आज जैसे वो है ना हमारा अभिषेक शर्मा जैसे कल मारता गया था, आज शुभमन गिल ने वैसे मारा, पिटाई किया, रुका बल्ला नहीं। तो भाई जो चीज हमें नजर आती थी पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स में, वो अब इंडिया के भी एक क्रिकेट प्लेयर में नजर आने लग गई है, वो है सेल्फिशनेस। भाई शुभमन गिल को कप्तान बनाया, बट शुभमन गिल ने दिखाई सेल्फिशनेस, मतलब उस बेचारे का भी कसूर नहीं है। असल बात यह है ही इज नॉट अ T20 मटेरियल। अब अगर आप उसको देखो तो स्ट्राइक रेट उसका जायसवाल से 1 पॉइंट अच्छा है, जायसवाल के 133 है, उसका 134 है, बट असल बात है इंटेंट की। ये T20 क्रिकेट में ना सेल्फिशनेस की नाम ही नहीं है, इस इंडियन यंगस्टर्स में भी, इवन यंगस्टर्स में थोड़ा सा होता है कि भाई हम आए अपने रन्स करें, नहीं भाई इन यंगस्टर्स में सेल्फिशनेस का इंटेंट का नाम ही नहीं है भाई। ये यंगस्टर सिर्फ एक अपने देश के लिए खेलते हैं, अपनी टीम के लिए खेलते हैं, उसके अलावा इनका किसी और चीज से कोई ताल्लुक भी नहीं होता। बट शुभमन गिल ने बड़ा ज्यादा डिसअपॉइंट किया, मतलब जब स्टार्ट में आए इतना ज्यादा नाम था, इतनी ज्यादा हाइप थी, बट अपने आप को अच्छा कन्वर्ट कर नहीं पाए, मतलब T20 क्रिकेट में स्पेशली, ये उनके करियर की आखिरी T20 सीरीज वो खेल रहे हैं, इसके बाद मुझे नहीं लगता वो आपको T20 सीरीज में नजर आएंगे। आल दो उनके रन्स हैं, 134 का स्ट्राइक रेट है, बट ये रन्स किसी काम के नहीं है, ये स्ट्राइक रेट किसी काम का नहीं है। जो पीछे उन्होंने 30 रन्स की बारी खेली थी वो फिर मुश्किल ट्रैक पे नजर आ रही थी, वो पिच ऐसी नजर आ रही थी, बट ये वाली पिच जहां पे ऋतुराज गायकवाड़ ने बताया, जहां पे अभिषेक के इंटेंट ने बताया कि भाई ये पिच किस तरह की थी, वहां आप इस तरह की बैटिंग करो, ये कहीं से भी जस्टिफाइएबल है ही नहीं। इंडिया किसी टीम है लेकिन जिम्बाब्वे को ऐसे धो रही है कि जिम्बाब्वे मुझे लगता है ये पूरी की पूरी T20 ये जो सीरीज है हार है, ये तीसरा मैच
आज इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरवा दिया। बिल्कुल ऐसे ही, जिम्बाब्वे ने पहला मैच जीत के ना ऐसे लग रहा था उन्हें कि बस हम अब कॉन्फिडेंट है, अब हम इंडिया के ऊपर ओवरकम कर लेंगे सीरीज में, लेकिन इंडिया ने बता दिया चाहे उनकी सी टीम है बी टीम है, वो जिस तरह की परफॉर्मेंस और जिस तरह का माइंड सेट लेके ग्राउंड में उतरते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस, आपने बात की वाशिंगटन सुंदर की, यार यकीन करें उस बंदे की परफॉर्मेंस मुसलसल, वो लड़का रेगुलर हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। पहले मैच में भी उसकी इकोनॉमी आई थिंक 5 के राउंड अबाउट थी, इस मैच में भी उसने काफी मतलब के रन कम दिए लेकिन विकेट ज्यादा लिए, 3 विकेट उसने लिए हैं। अगर मैं बात करूं बॉलिंग लाइनअप में तो अविश खान जिसने 2 विकेट लिए हैं, उसके अलावा बैटिंग लाइनअप को देख लें, आज कैप्टन ने कैप्टनसी इनिंग खेली है, जिस तरह शुभमन गिल यार उसको काफी ट्रोल किया जा रहा था यार, 6 रन बिल्कुल डबल सिक्स उसके यार 6 लगे हैं, जिस तरह 6 लगा के उसने डबल सिक्स को अचीव किया आज। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिस तरह एक गायकवाद यकीन करें मुझे तो फ्यूचर विराट कोहली लग रहा है, गायकवाद मुसलसल 4th-5th नंबर पे आते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि उसको थोड़ी सी लंबी इनिंग खेलने का मौका मिल जाए ना, पहले पिछले मैच में उसने 22 बॉलों पे 47 किए हैं, इस मैच में दोबारा उसने 49, यानी कि हम कंसीडर कर सकते हैं कि उसकी 250 रेगुलर हो गई है कंसिस्टेंसी के साथ। ये जो पाकिस्तानी घंटे आके ये बात करते हैं ना कि वो इंडिया जी जिम्बाब्वे से हार रहा है तो मसां जीत रहा है, तो ये मेरी बात सुनना जरा बेटा, उन्होंने कम से कम ये हिम्मत की है कि जिम्बाब्वे की फुल स्ट्रेंथ टीम के आगे अपने यंग बच्चे छोड़े हैं। आपने ना लास्ट ईयर 2023 में पाकिस्तान ने पाकिस्तान शाहीन की टीम भेजी थी जिम्बाब्वे में, और वो पाकिस्तान के सारे इंटरनेशनल प्लेयर थे। जिम्बाब्वे ने उस टीम को 5-1 से मारा था, 6 T20 मैचेस की सीरीज में 5-1 से बजाई थी पकड़ के जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान की। तो आप ना चुप करके बैठ जाओ। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया की बैटिंग की, मुझे ना जो सबसे बड़ा ब्लंडर नजर आया ना, यकीन करो तब भी मुझे जिस पर चढ़ी है, आई थिंक मेरे सारे भाई भी इस बात से एग्री करेंगे, अभिषेक शर्मा का नंबर चेंज करने का कोई तुक बनता था इस टाइम इंडिया की पूरी टीम में ना, जो आपका सबसे बड़ा मैच विनर है ना अभिषेक शर्मा, 47 बॉलों पे उसने 100 मारा पिछले मैच में। आप गिल को वन डाउन कर दो, आप जयसवाल को वन डाउन कर दो, अभिषेक शर्मा को किसने ड्रॉप नीचे करने का बोला है? वो पावर प्ले खेलेगा तो आपको फायदा होगा। ये वही साहब हुआ ना, घंटे के किंग को ओपन करवा दो, फखर जमान को नीचे ले जाओ, ये वही साहब हो गया यार। देखें जिस तरह से आईपीएल में आईपीएल का टैलेंट सीरीज में हमें खेलता हुआ नजर आ रहा है ना, स्पेशली शुभमन गिल को जिस तरह से लीड दी गई, आपको पता रिसेंटली उन्हें जो है लास्ट आईपीएल जो अभी हुआ उसमें गुजरात टाइटन्स को लीड किया, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को प्रूव करने की, और शुभमन गिल कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करता हुआ नजर आ रहा है। बीच में यार 3 वर्ल्ड चैंपियंस भी खेलते नजर आया, जिसमें यशस्वी जायसवाल थे, संजू सैमसन था और शिवम दुबे था। नो डाउट यशस्वी जायसवाल ने बड़ा आउटस्टैंडिंग स्टार्ट दिया, मेरे ख्याल से 36 किया उन्होंने, और उसके बाद शुभमन गिल ने 66 किया, उसके बाद जो है नीचे से ऋतुराज गायकवाड़ ने मेरे ख्याल से 48-49 किया, 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था शुभमन गिल ऋतुराज गायकवाड़। तो एक बड़ी एक्साइटिंग चीज़ हमें देखने को मिली है कि इंडिया के पास इतना टैलेंट मौजूद है कि अगर सीनियर प्लेयर नहीं भी होते तो इंडिया की टीम इस कैपेबल है कि वो जो दुनिया की किसी भी टीम को टक्कर दे सकती है, वो चीज़ उन्होंने आज प्रूव कर दी है। नो डाउट पहला मैच हारे थे, उसके बाद कहा जा रहा था कि जो है ना विराट और रोहित के बगैर टीम इंडिया सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन इंडिया की यंगस्टर्स ने अपना आपको प्रूव करके दिखाया कि भजन नो डाउट सीनियर्स अगर नहीं है तो हम लोग भी किसी से कम। लास्ट मैच में 47 बॉलों पे 100 रन बनाने वाला अभिषेक शर्मा, इस मैच में आपने उसको ओपनर क्यों नहीं भेजा? आपने उसको जो है वो इस मैच में वन डाउन क्यों भेजा? ये मेरी समझ से बाहर है। अभिषेक शर्मा को छेड़ना मेरी समझ से बाहर है, उसको आपको यहां पर ओपनर ही भेजना चाहिए था। चाहे आप जायसवाल को वन डाउन खिलाते, चाहे आप शुभमन गिल को वन डाउन खिलाते, लेकिन जो है वो जो अभिषेक शर्मा है ना, इसको आपको इसकी पोजिशन से हटाना नहीं था, इसको आपको पावर प्ले में ही बैटिंग देनी थी, और ये जिस तरह से जो इसका अंदाज है खेलने वाला, इसको आपको वन डाउन नहीं भेजना चाहिए था। ये मुझे नहीं मालूम है किसका फैसला था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक शर्मा को इंडिया का रेगुलर ओपनर ही खेलना चाहिए, ठीक है? शायद शुभमन गिल खुद भी जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं टीम में जगह बनाने के लिए, क्योंकि आपको बताया कि जो है वो अभिषेक शर्मा भी मौजूद है, आपको मालूम है कि साथ में जायसवाल भी मौजूद है, तो शुभमन गिल जिस तरह से खेलते हैं T20 में, जिस स्ट्राइक रेट के साथ, वहां पर उनके लिए जगह बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो आज देखें शुभमन गिल खेला तो है, वो सारे लोग बोल रहे हैं कि टेस्ट मैच यार वो नहीं बोल सकते कि टेस्ट मैच, लेकिन 23 रन से अभी हिंदुस्तान जीता है, लेकिन अगर जिम्बाब्वे के एक प्लेयर और खड़ा हो जाता ना
तो मेरे ख्याल से आज का मैच भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि मिडल ऑर्डर में वो दो बंदे खड़े हो गए, उन्होंने जो है वो एक हाफ सेंचुरी भी बनाई, मायर है या पता नहीं क्या नाम है। एनीवे मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैच में ऐसा ही होगा, क्योंकि ये प्लेयर्स को चेंज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई शुभमन गिल ओपनिंग के लिए क्यों उतरा। देखो यार, शुभमन गिल ओपनिंग जो है करता रहा है हिंदुस्तान की टीम में, रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग में वो काफ़ी ज़्यादा दिखे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से कि ओपनिंग की जगह अगर अभिषेक शर्मा है और जयसवाल है, तो मेरे ख्याल से फिर शुभमन गिल की जगह थर्ड नंबर पर आना चाहिए, वन डाउन पर खेलना चाहिए उसको। क्योंकि भाई ओपनिंग अगर जयसवाल और अभिषेक शर्मा से कराते हैं तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा अच्छी जो है वो स्टार्टिंग मिलेगी हिंदुस्तान की टीम। इंडिया की यंग टीम है ये, इंडिया की वो टीम है जिसके किसी भी प्लेयर ने वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं खेला है, और वो टीम जिम्बाब्वे का तेल निकाल रही है, बिकॉज जिम्बाब्वे को हरा दिया और बड़े गंदे तरीके से हराया जिम्बाब्वे को। बिकॉज ये जो इंडिया की टीम है इसमें स्पेशली एक यंग कैप्टन, यंग ओपनर्स, बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट आपके लिए ओपोजिशन है। एक बार पाकिस्तान ने भी ट्राई किया था कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ जब अपनी यंग टीम उतारेंगे, और अफगानिस्तान ने 3-0 से पाकिस्तान को पेल दिया था। पाकिस्तान को बड़े गंदे तरीके से अफगानिस्तान ने एक्सपोज कर दिया था, कि यहाँ पर टीम इंडिया जो है इन्होंने शानदार तरीके से हरा दिया है जिम्बाब्वे को तीसरे T20 में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी भी अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आखिरकार अभिषेक शर्मा जो है उसको वन डाउन क्यों भेजा गया, उसकी जगह किसने चेंज की, किसका ये डिसीजन था। मगर खैर, जिसने भी लिया होगा कुछ उनके दिमाग में होगा तभी उनको वन डाउन भेजा है। और दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है भाई पाकिस्तानियों का, अभी आपने सुना कि भाई अभी तक तो वो सोच रहे थे कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ही सेल्फिश है, मगर आज भारत के टीम में भी हमने सेल्फिश देख लिया। तो भाई ऐसा नहीं है, एक मैच से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भारत का जो शुभमन गिल है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं ना दोस्त, वो सेल्फिश है। हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और बात हो, स्लो खेलने की वजह हो, और इससे पहले भी उसने रोहित शर्मा के साथ स्टार्ट किया है, उस वक्त आपने देखा किस तरह उन्होंने बैटिंग की है, और अब आने वाले मैच में भी वो अपना गियर चेंज कर सकते हैं। तो एक मैच से किसी के ऊपर हम ये आरोप नहीं लगा सकते, या एक मैच को देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो सेल्फिश है। और आने वाले मैच में पता ही चल जाएगा, जब उसका भी बल्ला चलेगा तो ये जितने भी लोग उसे सेल्फिश कह रहे हैं उनके मुंह को ताले लग जाएंगे। तो खैर दोस्तों, अब आने वाले जो दो T20 मैच बचे हैं उसमें देखेंगे कि क्या होता है, क्या सीरीज भारत जीतता है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।